देखिए अब हम लोग नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। तो अब हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड का रिएक्शन सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ करेंगे, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो आप बताइए हमको कार्बोनेट का फॉर्मूला CO3, सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला Na2CO3। अब हमको सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट लिखना, तो सोडियम था तो छूछे सोडियम लिख दी, हाइड्रोजन है तो छूछे हाइड्रोजन, और कार्बोनेट है तो CO3, यहाँ पर छूछे CO3 लिख दी। इस कंपाउंड का नाम हो गया सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, और सबस्ट्रेट के रूप में क्या लेना है कार्बोक्सिलिक एसिड, क्योंकि रिएक्शन का शुरुआत कौन कर रहा है कार्बोक्सिलिक एसिड। तो यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड में R C डबल बॉन्ड OH ले लिए। अब ये कार्बोनेट है तो कार्बोनेट किसमें बदलना चाहेगा, कार्बोनिक एसिड में, और कार्बोनिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है H2CO3। इस कंपाउंड का नाम हो गया कार्बोनिक एसिड, यहाँ पर कार्बोनिक एसिड लिख दे। और कार्बोनिक एसिड को तोड़ेंगे फिर दो कंपोनेंट प्राप्त होगा, एक कार्बन डाइऑक्साइड और एक वाटर। कार्बोनेट को तोड़े तो कार्बन डाइऑक्साइड, एक नेसेंट ऑक्साइड, फिर हाइड्रोजन नेसेंट ऑक्साइड साथ रिएक्ट करके वाटर बना लिया। ठीक, अब देखिये कार्बोनिक एसिड है तो CO3 दिखा, H2 दिखा, तो कार्बोनेट के बगल में तो एक हाइड्रोजन है, मतलब एक हाइड्रोजन और चाहिए हमको, तो बचा हुआ एक हाइड्रोजन कार्बोनिक एसिड से लिया। यहाँ कार्बोक्सिलिक एसिड से एक हाइड्रोजन लिया और यहाँ से HCO3 ले लिया, तो यहाँ पर हाइड्रोजन और HCO3 मिलकर क्या बना लिया, H2CO3। अब देखिए आप अल्काइल कीटो ग्रुप था, यहाँ पर अल्काइल कीटो ग्रुप लिख दिए, सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन था सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन लिख दिए, Na है तो यहाँ पर Na लिख दिए, तो ये हमारा क्या बन गया सॉल्ट, क्या बन गया सॉल्ट। इसी सॉल्ट को क्या बोलते हैं सोडियम अल्का नोए, क्या बोलते हैं सोडियम अल्का नोए, क्या बोलते हैं सोडियम अल्का नोए, इसी को बोलते हैं सोडियम कार्बोजाइले, क्या बोलते हैं सोडियम कार्बोजाइले। तो बोलिए जब कार्बोक्सिलिक एसिड का रिएक्शन सोडियम बाय कार्बोनेट के साथ करते हैं हीट के प्रेजेंस में, तब मेन प्रोडक्ट के रूप में सॉल्ट बनता है और बाय प्रोडक्ट के रूप में कार्बोनिक एसिड बनता है। इस कंपाउंड का नाम क्या है कार्बोक्सिलिक एसिड, यहाँ पर लिख दिए कार्बोक्सिलिक एसिड। अब हम लोग दो कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड ले रहे हैं, तो दो कार्बन के कार्बोक्सिलिक एसिड को कॉमन नेम में क्या बोलते थे एसिटिक एसिड, यहाँ पर लिख दिए CH3 C डबल OH। तो दो कार्बन के कार्बोक्सिलिक एसिड को कॉमन नेम में क्या बोलते थे एसिटिक एसिड, यहाँ पर लिख दिए एसिटिक एसिड। और एसिटिक एसिड का रिएक्शन सोडियम बाय कार्बोनेट के साथ करना है, इसी को सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बोलते हैं, इसी के वो नाम है सोडियम बाय कार्बोनेट, हाँ बाय कार्बोनेट, और बाय कार्बोनेट याद होगा। यहाँ पर कार्बोनेट दिखा तो कार्बोनेट से क्या बनाएंगे कार्बोनिक एसिड, जिसका फॉर्मूला क्या होता है H2CO3, तो छूछे CO3 छूछे CO3, H2 दिखा तो छूछे H दिखा, एक और चाहिए तो बचा हुआ एक H कार्बोक्सिलिक एसिड से लिया, यहाँ पर HCO3 के साथ जुड़कर H2CO3 बना लिया। यहाँ पर मिथाइल कीटो ग्रुप था, यहाँ पर मिथाइल कीटो ग्रुप लिख दिए, सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन था सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन लिख दिए, और ऑक्सीजन के बगल में कौन आ गया सोडियम, तो ऑक्सीजन के बगल में सोडियम लिख दिए। इस कंपाउंड को कॉमन नेम बोलिए सोडियम एसिटेट, क्या होगी तो सोडियम एसिटेट, और यूपी ने बोलिए सोडियम इथेनॉएट। लैंग्वेज बोलिए जब एसिटिक एसिड का रिएक्शन सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ करते हैं हीट के प्रेजेंस में, तब मेन प्रोडक्ट के रूप में सोडियम एसिटेट बनता है और बाय प्रोडक्ट के रूप में कार्बोनिक एसिड बनता है। लैंग्वेज बोलिए कार्बोक्सिलिक एसिड इज हीटेड विद सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट देन सॉल्ट इज फॉर्म्ड।
अभी एक और एग्जाम्पल बता ही देते हैं। हम बता देंगे यहाँ पर देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा एरोमेटिक वाला, बेंजीन का रिंग है और बेंजीन के रिंग पर लगा दिया कार्बोक्सिलिक एसिड, तो इस कंपाउंड का नाम क्या हो गया? बेंजोइक एसिड। यहाँ पर बेंजोइक एसिड लिख लिया और रिएजेंट के रूप में क्या लीजिएगा? सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम सोडियम बाइकार्बोनेट उसी का एक और नाम है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। यहाँ पर ले लिए सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और यहाँ पर क्या दीजिएगा? हीट। तो कार्बोनेट है सर तो क्या बनाइएगा? कार्बोनिक एसिड जिसका फॉर्मूला होता है H2CO3। यहाँ पर छूछे CO3 एक एच दो एच मतलब एक एच और चाहिए तो बचा हुआ एक एच हाथ दीजिएगा कार्बोक्सिलिक एसिड से, कार्बोनिक एसिड से एक हाइड्रोजन लिए और यहाँ से HCO3 HCO3 के साथ जो H2CO3 बना लिया जो हमारा कार्बोनिक एसिड है। यहाँ पर फिनाइल कीटो ग्रुप है तो यहाँ पर लिख दिए फिनाइल कीटो ग्रुप। सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन था तो सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन लिख दिए। अब ये ऑक्सीजन नॉन मेटल है, नॉन मेटल को क्या पसंद है? मेटल। जिस तरह लड़का को क्या पसंद है? लड़की। जिस तरह मांगरा को मांगरी, जिस तरह बेबी को बेस, उसी तरह नॉन मेटल को मेटल। तो ऑक्सीजन के बगल में कौन आ गया? सोडियम। इस कंपाउंड का नाम क्या? सोडियम बेंजो ए। इस कंपाउंड का नाम हो गया तो सोडियम बेंजो ए। तो लैंग्वेज बोलिए जब बेंजोइक एसिड का रिएक्शन सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ करते हैं हीट के प्रेजेंस में सर मेन प्रोडक्ट के रूप में सोडियम बेंजोएट बनता है और बाय प्रोडक्ट के रूप में कार्बोनिक एसिड बनता है। इस तरह दोस्त फुल एसिड में केमिकल प्रॉपर्टी जो कार्बोनिक एसिड का टाइप वन खत्म। तो दोस्त चीते की चाल बांस की दर्जा और हिमांशु कुमार के कैलकुलेशन का कभी शक नहीं किया जा सकता।